दोस्तों सभी का हमारे चैनल यूट्यूब कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा ले, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके या आपको जानकारी हो सके। दोस्तों आज बात करते हैं, बिना तलाक अगर दूसरी शादी कर ली जाती तो क्या क्राइम होता है, अगर ऐसा होता है तो उसमें कितने साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर अगर देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होते हुए अगर दूसरी शादी करता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि 494 का ऑफेंस उसके खिलाफ बनता है। मान लो दोस्तों शादीशुदा होते हुए पत्नी हो या पति, लड़का या लड़की दोनों अगर ऐसा अपराध कारित करते हैं तो उन्हें 494 का दोषी माना जाता है। अब ये मानो कुछ अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो उसके बाद में मान लो किसी उदाहरण के तौर पे किसी लड़के ने शादीशुदा होते हुए दूसरी लड़की से शादी कर ली, तो लड़की किस तरह से कोर्ट में इसमें क्या FIR दर्ज नहीं करवा सकते, इसमें डायरेक्ट आप कोर्ट द्वारा आप 494 का मुकदमा दर्ज करा सकते हो। लेकिन इसके तहत आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर उस व्यक्ति ने शादी की तो उसके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, मेरे सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उन्हें अपने कोर्ट में साबित करना होता है। इसके साथ साथ अगर आप भी शादीशुदा हो तो उस चीज का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप 494 कर सकते हो। मान लो अगर आपके पास शादीशुदा होने का कोई मेरे सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स नहीं है, तो आप किस आधार पर 494 कर सकते हो, 494 IPC का दावा कब कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी ऐसा सबूत होने चाहिए। और जो व्यक्ति ने जिससे शादी होते हुए दूसरी शादी की उसके भी आपके फोटोग्राफ्स या उसके मेरे सर्टिफिकेट आदि चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास आ जाती है जब भी कोर्ट में 494 IPC का मुकदमा आप दर्ज करवा सकते हो, क्योंकि ये थाने से FIR दर्ज नहीं होती, इसमें आप 494 का ऑफेंस 494 IPC कोर्ट द्वारा दर्ज करा सकते हो। कोर्ट में आप प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद किसी वकील के माध्यम से उसके बाद में नोटिस जारी होते हैं, नोटिस जारी होने के बाद सारी चीजें आपको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे और सबूत के तौर पे पेश करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करने में कामयाब हो जाते हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ 494 बन जाता है, तो वो 7 साल की सजा प्लस कानून उसके खिलाफ जाएगा, 7 साल का सजा उसको होगी। लेकिन इस तरह के सारे प्रूफ आपको वहां फेस करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इसके साथ साथ ये भी होता है, अगर कोई व्यक्ति, इसमें दो मेन मुख्य पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति नाता पड़ता ऐसे मंदिर में जाके शादी कर लेता है, वो प्रूफ नहीं होता है, तो उस व्यक्ति अगर दूसरी लड़की से शादी करता है तो 494 साबित नहीं हो सकता, 494 का केस उसके खिलाफ नहीं चल सकता, क्योंकि उसने मंदिर में जाके शादी की है। दोस्तों अगर दूसरा ये, अगर किसी भी व्यक्ति की जो पत्नी है वो 7 साल से अभाव, 7 साल से ज्यादा गुम हो जाती है, उसका कोई लापता हो जाती है या किसी का पता नहीं होता है, तो 494 का केस नहीं कर सकता, वो दूसरी शादी कर सकता है, क्योंकि इस तरह के केस बहुत सारे अदालत में होते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी लापता हो जाती है तो ये कानूनी प्रावधान है कि 7 साल के बाद वह शादी कर सकता है, दूसरी शादी कर सकता है, उसके खिलाफ 494 में नहीं बनता। और एक बात मैंने पहले बता दी कि अगर जैसे मंदिर में फेरा कर लिया, वो सारी चीजें होने के बाद उसका सबूत नहीं है, तो वो भी 494 का दोषी नहीं पाया जाता। ये दो कंडीशन है इसमें, इसलिए मैं 494 का मतलब ये होता है कि अगर शादीशुदा होने पर ही, उसके सबूत होने पर ही आप 494 साबित कर सकते हो, पति हो या पत्नी, लड़का हो या लड़की। लड़का लड़की अगर शादीशुदा हो, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, फोटोग्राफ्स है, तो वो 494 कर सकते हैं, ये सीधे वकील के माध्यम से आप कोर्ट से कर सकते हो। इसलिए दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है, अगर कोई भी व्यक्ति आपके जानकार हो या आपके रिश्तेदार में अगर ऐसा करता है तो 494 IPC का दोषी पाया जाता है, लेकिन 494 IPC आपको साबित करना पड़ेगा, इसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के तहत, फोटोग्राफ्स के तहत,
अगर कोई लड़की शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करती है, लड़का या लड़की दोनों पे ये IPSC लागू है, चार चुनाव दोनों पे लागू होगा। अगर दोनों ऐसा क्राइम करते हैं तो मान लो किसी लड़की और लड़का शादीशुदा है, लड़की अगर किसी से भाग के दूसरी लड़की से शादी कर लेती, वो ऐसा प्रूफ आपके पास मिल जाता है तो लड़का उस लड़की के खिलाफ 494 का मुकदमा कोर्ट द्वारा दायर कर सकता है और कोर्ट में सारे एविडेंस ऑटोग्राफ सारे बताना पड़ेगा कि मैं इस लड़की से पहले शादीशुदा था, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। जब भी कोर्ट मानेगी कि आपने पहले शादी कर रखी है इससे नहीं, सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा क्राइम करता है उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर 494 IPSC के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है प्लस जुर्माना भी देना होगा। इसलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।